अदम भाई तुम आज के रेस जीतो या ना जीतो मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता भाई, बस ये जो बमचे की बम बम कर रहे हो करते रहो भाई, देखने में मजा आ रही है। अरे रेड क्रिमिनल भाई, ये ट्रैक्टर लेके खेती करने जा रहे हो क्या भाई साहब? हेलो आलोक भाई, वहां से निकलने का मन है कि वही घर बसाना है? गाइस स्वागत है आप सभी लोगों का एक और ब्रांड न्यू अमेजिंग रैम चैलेंज की वीडियो में। तो गाइस आपने रिली सिंगम वाली रैम चैलेंज को बहुत ज्यादा सपोर्ट दिखाया और वो वाली वीडियो हमारी चली गई 1 मिलियन। तो गाइस हम आ चुके हैं फिर से फ्री फायर वर्सेस लिटिल सिंगम की रैम चैलेंज में। बट यहाँ पे हमारे जो लिटिल सिंगम है वो कलरों से रंगीन हो रखे है, यहाँ पे अलग अलग टाइप के लिटिल सिंगम है। तो आज के एपिसोड में बहुत मजा आने वाले है। तभी यहाँ पे हमारे जय भैया जा रहे है, तो आइए देखते है कौन सी गाड़ी सिलेक्ट करते है। जय भैया ने तो काफी बढ़िया गाड़ी सिलेक्ट करी है, तो आइए देखते हैं जय भैया इस गाड़ी से क्या उखाड़ पाते हैं, मेरा मतलब क्या कर पाते हैं। हाँ भाई सिंचन, तो देखने वाली बात यह है कि जय भाई इस गाड़ी से क्या कर पाते हैं। तो गाइस आज जो लिटिल सिंघम की टीम आई है ना भाई, उसमें सिर्फ और सिर्फ लिटिल सिंघम है। तो ये आज की जो फाइट रहने वाली है भाई बहुत ज्यादा इंटेंस होने वाली है। तो आइए देखते हैं कि गाइस आज फ्री फायर जीतेगी या लिटिल सिंघम जीतेगी। अगर तुम फ्री फायर की तरफ से हो तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब करके लाइक कर दो, एंड अगर तुम लिटिल सिंघम की तरफ से हो तो भाई तुम भी सब्सक्राइब और लाइक कर दो। अब यहाँ पे भाई साहब हमारे जय भाई ने गाड़ी भाई साहब बहुत ही बढ़िया भाई चालांग लगाई है, बट आई डोंट थिंक सो यार ये मेज बैंक पार कर पाएंगे। यार नहीं भाई, ये मेज बैंक नहीं पार कर पाएंगे, एंड ये थोड़ा सा भाई पहले आके भाई गिर जाएंगे। कैसा है सिंचन, क्या हाल है? मैं तो एकदम बढ़िया हूँ सोल्जर लिटिल सिंघम भैया। अब आपकी बारी है ना, जाइए जाइए एक बढ़िया सी गाड़ी लीजिए और फ्री फायर वालों को कंपटीशन दीजिए। वो तो मैं दे दूंगा, बट गाड़ी कौन सी लेके जाओ मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। यहाँ पे सारे की सारी गाड़ी बेकार है, मैं सोच रहा हूँ ये साइकिल लेके जाऊँ। ओ गाइस यहाँ पे देखो लिटिल सिंघम भाई साहब ये साइकिल लेके जा रहे हैं भाई, मतलब लिटरली भाई रैंप खेलने आए हो या भाई साइकिलिंग करने आए हो भाई साहब? भाई क्या चल रहा है भाई यहाँ पे आज के इस रैप चैलेंज में? तो गाइस अगर तुम भाई फ्री फायर को सपोर्ट कर दो तो भाई लाइक करो यार, क्योंकि भाई यार आज ये लिटिल सिंघम का ये हरकत देख के भाई भाई मेरे को भाई काफी भाई अजीब लग रहा है भाई। मेरे को लगता है भाई आज फ्री फायर ही जीतेगा भाई, क्योंकि अगर ऐसे साइकिल लेके आएंगे भाई लिटिल सिंघम की टीम तो भाई घंटा ना जीत पाएंगे ये लोग भाई, यार ऐसा थोड़ी ना होता है यार। अब यहाँ पे भाई देखो भाई साइकिल ऐसे चला रहे जैसे कि भाई एक भाई कुछ पी वी के आए हो भाई, क्या भाई कौन से नशे करते हो भाई? अरे अरे साइकिल में बूस्टर भी रख रखा भाई, भाई यार ये देखो हैंडल तो होती नहीं भाई साइकिल, भाई पता नहीं साइकिल क्यों ले ली भाई आज लिटिल सिंघम ने भाई, क्या चल रहा है भाई लिटिल सिंघम भैया? हेलो ये हरे वाले लिटिल सिंघम भैया क्या कौन सा नशा फूक के आए हो आज है? ये देखो भाई सब बूस्टर तो दे दिया। अब भाई मेरे को मालूम था भाई यार ये साइकिल नहीं भाई नहीं पार कर पाएगी भाई मेज बैंक को, अब देखो भाई इनकी क्रैश लैंडिंग होने वाली है यार। ए अब यहाँ पे हमारे आ चुके हैं फ्री फायर से जोकर। ए जोकर भैया एक जोक तो मार के सुनाओ। हे आपका नाम जोकर है और आप जोक भी नहीं मारते हो, नहीं हंसते हो। हे मैं जोकर हूँ बट फ्री फायर का जोकर हूँ, और मैं जोक वोक नहीं मारता, मैं थप्पड़ मारता हूँ, आके मारू क्या सिंचन? मैं तो मस्ती कर रहा था, आप ना रैंप पे फोकस करो, फ्री फायर को जीतो, फ्री फायर को जाए फ्री फायर। ओ भाई लगता है मेरे को यहाँ पे सिंचन की भाई फट चुकी है, एंड यहाँ पे भाई अगली बार भाई अब किसी भी जोकर को देखेगा तो भाई सिंचन कभी ये नहीं पूछेगा कि भाई कोई जोकर जोक तो मार के बताओ। तो भाई यहाँ पे अभी भाई हमारे भाई जोकर फ्री फायर की तरफ से भाई क्या ही गाड़ी चला रहे हैं, एंड यहाँ पे 260 की स्पीड से भाई इन्होंने भाई गाड़ी खुदा दी है। बट ये क्या भाई साहब इतना टेढ़ा मेढ़ा गाड़ी चला रहे थे, इसकी वजह से भाई इनकी गाड़ी तो पीछे ही चली गई। मैं भी सोच रहा हूँ मैं भी अपने कपड़ों से मैचिंग मैचिंग गाड़ी ले लूं या कोई मैचिंग मैचिंग बाइक ले लूं। ये वाली बाइक मेरे को बहुत ही बढ़िया लग रही है, ये वाली बाइक ही ले लेता हूँ मैं, देखो कितनी प्यारी लग रही है ये बाइक मेरे कपड़ों के साथ। तो गाइस यहाँ पे भाई हमारे निकल चुके हैं लिटिल सिंघम, येलो वाले लिटिल सिंघम भाई, ये कंस्ट्रक्शन पे वर्कर है भाई। भाई यहाँ पे आज जो हमारे पास लिटिल सिंघम खेलना है रैम चैलेंज भाई बहुत ही यूनिक है। एंड गाइस मेरे फ्रेंड ने ना एक नई यूट्यूब चैनल खोली है जहाँ पे वो GTA 5 की वीडियोस अपलोड करते हैं, बट भाई फ्री फायर और लिटिल सिंघम या ऐसा कोई टॉपिक नहीं है
भाई एवेंजर्स के ऊपर भाई रैम चैलेंज अपलोड करते हैं भाई, काफी कमाल की होती है इनके वीडियोस। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है भाई, जाके सब्सक्राइब कर देना उनका। आज ही 9 बजे एपिसोड आने वाला है, मतलब मेरी वीडियो अपलोड होने से 2 घंटे पहले। एंड ये क्या देख रहा हूँ गाइस, यहाँ पे भाई इन्होंने बहुत ही बढ़िया पिकअप लिया एंड ये मेज बैंक पार कर देंगे, बट नहीं यार एकदम थोड़ा सा बच गए। अगर भाई थोड़ा सा आगे चले जाता है भाई तो यार ये मेज बैंक पार कर चुके होते एंड यहाँ पर लिटिल सिंघम का पहला पॉइंट हो जाता। कौची गाड़ी लू मैं तो सोच रहा था मैं तो लाल कपड़ों से मैचिंग लाल गाड़ी लू, तो आइए देखते हैं लाल गाड़ी कैसी है। नहीं ची, अंदर से बहुत गंदी लग रही है लाल गाड़ी। कौन सी गाड़ी लू, कौन सी ये ट्रैक्टर मेरे को गांव की याद दिला देता है। अब मैं यहाँ पे ट्रैक्टर के साथ ही जाऊंगा, ये ट्रैक्टर बहुत ही बढ़िया लग रहा है। भाई यार भाई क्या कर रहे हो भाई तुम, ये रेड क्रिमिनल भाई। हेलो भाई तुम भाई क्या भाई खेतीबाड़ी करने आए हो यार। अरे रे रे भाई साहब ट्रैक्टर लेती भाई क्रैश। भाई तुम खेतीबाड़ी करने आए हो या रैम चैलेंज करने आए हो भाई। इस तरीके से ना भाई तुम ना फ्री फायर का नाम डुबा दोगे भाई कसम से भाई। गाइस आज किस रैम चैलेंज है भाई, मेरे को पता नहीं क्या हो रहा है यार। अब तो भाई मेरे को दोनों टीम पे भरोसा नहीं हो रहा कि भाई इनमें से कोई जीतेगा भी, क्योंकि भाई आज भाई सिर्फ और सिर्फ कंटेस्टेंट भाई मजी बोल रहा हूँ मस्ती मजाक करने आए है भाई। पता नहीं क्या ही भाई, मैं भी आज भाई मस्ती मजाक ही करने आया हूँ, मैं तो आज कमेंट्री करने आया ही नहीं हूँ भाई। अब यहाँ पे भाई ये देखो ट्रैक्टर लेके भाई आ चुके हैं। अब भाई इनका ट्रैक्टर देखो भाई कितनी स्पीड पे चल रहा है, 160, 150, 170 एंड भाई दूसरे कंटेस्टेंट की स्पोर्ट्स कार भाई 300, 250 के ऊपर ही चल रही थी। एंड यहाँ पे देखते हैं कि भाई ये कैसा जंप लगाते हैं भाई, इतना बेकार जंप। और ये क्या भाई साहब, इन्होंने ट्रैक्टर के अंदर एक बूस्ट छुपा कर रखा था एंड क्या ही बूस्ट दिया भाई। क्या लगता है गाइज आपको ये मेज बैंक पार कर पाएंगे? एंड गाइज मेरे को लग रहा है ये मेज बैंक आराम से पार कर देंगे। क्या पार कर दिया इन्होंने मेज बैंक। एंड यहाँ पे फ्री फायर सबसे पहले टीम ऐसी है जिसने भाई मेज बैंक पार कर दिया। तो गाइस यहाँ पे हमारे जो वाइट वाले लिटिल सिंघम है भाई वो मेरे को बहुत जल्दी में लग रहे हैं। एंड यहाँ पे भाई इन्होंने ब्लैक गाड़ी ली है, तो आइए देखते हैं गाइस क्या ये वाइट और ब्लैक गाड़ी के कॉम्बिनेशन के साथ यहाँ पे लिटिल सिंघम की टीम को सबसे पहला पॉइंट दिलवाने में कामयाब रहते या नहीं। एंड भाई साहब यहाँ पे स्टार्टिंग में इनकी गाड़ी भाई थोड़ी पलट गई, बट कोई बात नहीं। अब भाई यहाँ पे लिटिल सिंघम की टीम में भाई तनाव भाई मेरे को भाई बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि भाई यहाँ पे फ्री फायर ने सबसे पहला पॉइंट ले लिया है। एंड यहाँ पे भाई अब यही रेस होगी कि गाइस लिटिल सिंघम को भी भाई एक पॉइंट लेना है यहाँ पे। अगर लिटिल सिंघम ने भाई पॉइंट नहीं लिया तो भाई उनकी नाक कट जाएगी भाई, सच्ची बता रहा हूँ। एंड यहाँ पे भाई ये बहुत स्पीड में यहाँ पे भाई निकल चुके हैं एंड इन्होंने भाई एक बहुत ही बेहतरीन जंप लगाया, बट ये क्या देखने मिल रहा है भाई यहाँ पे एकदम रोल करते करते भाई ये यहाँ पे क्या लगता है गाइस मेज बैंक पार कर पाएंगे? एंड यहाँ पे नहीं यार इन्होंने एंड टाइम पे बूस्ट दे दिया एंड भाई यहाँ पे भाई गलत ही सीन हो गया इनके साथ। मैं यहाँ आजम मुझे पता ही होगा मैं फ्री फायर का प्रो प्लेयर हाँ। अभी यहाँ पे मैं लाल कलर की साइकिल लेके जाऊंगा और फ्री फायर चूंकि मेरी जान है मैं अपनी टीम को जिताऊंगा। हाँ गाइस अगर तुम भी फ्री फायर को सपोर्ट करते हो तो क्या कर रहे हो, लाइक करो सब्सक्राइब करो और जो घंटा है उसको दबा के ऑल पे कर दो ऑल पे। हाँ अभी यहाँ पे जा रहा हूँ मैं मस्त अपनी साइकिल लेकर के, भले कोई कुछ भी बोले कि आदम पागल है साइकिल लेके नहीं जीत पाएगा, बट मैं जिताऊंगा तुम देखना। हाँ ओके तो गाइस यहाँ पे देखते हैं आदम भाई यार क्या कर पाते हैं। यहाँ पे भाई ये बहुत दावा कर रहे हैं कि भाई कोई कुछ भी बोल ले कि आदम भाई साइकिल लेके जा रहे हैं मतलब भाई उसको कोई हरा नहीं पाएगा। तो आइए देखते हैं गाइस आदम साइकिल लेके जा तो रहे हैं क्या इनको कोई हरा पाता है या नहीं, क्या ये फ्री फायर को जिता देंगे। गाइस क्या लगता है आपको किसी, ओ भाई साहब लगता है इन्होंने अपने साइकिल में बूस्ट फिट कर रखा है इसलिए भाई इतनी चौड़ में भाई घूम रहे हैं यहाँ से वहाँ। तो आइए देखते हैं गाइस क्या ये एक साइकिल की बदौलत यहाँ पे फ्री फायर को एक भाई पॉइंट दिलवाने में कामयाब रहते हैं या नहीं। ओ भाई साहब यहाँ पे ढलान पे साइकिल चढ़ी नहीं जा रही है एंड भाई ये इतना बच्चन दे रहे थे यहाँ पे साइकिल के भाई बदौलत। एंड भाई साहब मेज बैंक बहुत दूर है बट यहाँ पे इन्होंने बूस्ट तो दिया, बट भाई ये क्या भाई यार साइकिल भाई हवा में भाई पीछे मुड़ गई। ये कुछ नहीं जिताने वाले फ्री फायर को, इनको बस अपनी टीम का नाम बदनाम करने आता है। यहाँ पे देखो मैं कितनी बढ़िया गाड़ी लेके आया हूँ, हालांकि थोड़ी इधर उधर हो गई बट अभी तुम देखना इस गाड़ी की टॉप स्पीड कैसी है। हाँ गाइस यार ये तो भाई बहुत ही सही कहा भाई यहाँ पे हमारे ब्लू वाले भाई क्या कहते हैं लिटिल सिंघम ने। एंड भाई क्या ही टॉप स्पीड है भाई, 400 की स्पीड भाई पकड़ ली भाई इस गाड़ी ने। एंड यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया शानदार यारा एकदम लास्ट भाई क्या बोलूँ एकदम लाजवाब
क्या बोलूं भाई, जितने भी भाई वर्ड है भाई कम पड़ते हैं भाई यहाँ पे। एंड एक ही भाई वर्ड है जो मेरे दिमाग में आ रहा है, वो है वाओ, अमेजिंग। भाई साहब क्या ही इन्होंने भाई यहाँ पे टेक ऑफ लिया है। एंड यहाँ पे ओए होए होए भाई साहब, यहाँ पे भाई लिटिल सिंघम की टीम ने यहाँ पे भाई ले लिया है सबसे पहला पॉइंट। तो अब यहाँ पे भाई दोनों का पॉइंट इक्वल चल रहा है। गाइस, तो यहाँ पे हमारे सिर्फ और सिर्फ दो कंटेस्टेंट बचे हुए हैं। तो गाइस अभी यहाँ पे ना लिटिल सिंघम और डीजे एलोक ही बचे हुए हैं यहाँ पे। एंड गाइस तुम्हें पता है दोनों के पॉइंट्स एकदम इक्वल चल रहे हैं दोनों टीम के। आखिर यहाँ पे एलोक भैया ने उसको ओवरटेक कर लिया, यानी कि जो भी ब्लू वाला लिटिल सिंघम गया था, तो यहाँ पे डीजे एलोक की टीम यानी कि फ्री फायर की टीम जीत जाएगी। एलोक भैया की गाड़ी को देख कर नहीं लगता कि एलोक भैया जीता पाएंगे। अरे ओके, बट कोई बात नहीं, अब मेरे को लग रहा है एलोक भैया जीता पाएंगे। तो गाइस अगर आप लोग डीजे आलोक के फैन हो तो डीजे आलोक ओपी कर दो इन द चैट गाइस प्लीज। गाइस यहाँ पे 400 की स्पीड से भाई जा रहे हैं डीजे आलोक, एंड इन्होंने बहुत ही बढ़िया टेक ऑफ लिया। एंड गाइस ये क्या देख रहा हूँ मैं भाई साहब, मेज बैंक को आराम से पार कर दिया इन्होंने। भाई मजा आ गया भाई मेरे को देख के। एंड गाइस वो जो ब्लू वाले सिंघम की बिल्डिंग थी ना गाइस, डीजे आलोक भाई ने उसको भी पार कर दिया। गाइस इसका मतलब लिटिल सिंघम की टीम अभी पीछे है फ्री फायर की टीम से। एंड भाई साहब फ्री फायर भाई लिटिल सिंघम की टीम से बहुत ही ज़्यादा आगे चल रही है। तो गाइस अभी तुमको, अरे अरे डीजे आलोक भैया बाहर तो निकलो, उधर ही घर बसाना है क्या, बाहर तो आओ यार। हाँ अभी बाहर निकले। तो भाई साहब यहाँ पे हमारे सबसे लास्ट कंटेस्टेंट जो है भाई लिटिल सिंघम, तो भाई आइए देखते हैं लिटिल सिंघम भाई क्या कर पाते हैं। यहाँ पे इन्होंने भाई एक पुरानी सी गाड़ी ली है, बट भाई इस गाड़ी को अंडर एस्टिमेट मत करना, क्योंकि अगर तुम मेरे सारे रैम चैलेंज देखते हो तो इस गाड़ी से किसी ने भाई यहाँ पे भाई भाई बहुत ही तबाही मचाई थी। तो अगर तुम चाहते हो तो भाई मेरे पुराने रैम चैलेंज वाले वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हो मेरे चैनल पे, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे भाई लिटिल सिंघम लेके निकल चुके हैं इस गाड़ी को, एंड यहाँ पे इन्होंने बहुत ही बढ़िया टेक ऑफ लिया है। एंड भाई डीजे आलोक की भाई बिल्डिंग जस्ट नीचे है, एंड क्या लगता है गाइस आपको डीजे आलोक वाली बिल्डिंग को पार कर देंगे? एंड गाइस यहाँ पे भाई डीजे आलोक की भाई बिल्डिंग को पार करके बहुत ही ज्यादा आगे आ चुके हैं। एंड इस तरीके से गाइस यहाँ पे हमारे विजेता है भाई लिटिल सिंघम की टीम। तो गाइस आई होप सब वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। यहाँ पे आज के हमारे विजेता है भाई लिटिल सिंघम की टीम। एंड कोई बात नहीं गाइस, आज की इस वीडियो में फ्री फायर हार गई तो अगले वाले में जीत जाएगी। तो बस ऐसे भाई मेरे वीडियो को देखते रहो भाई, लव एंड सपोर्ट देते रहो। एंड थैंक यू सो मच फॉर पिछले वाले वीडियो में 1 मिलियन भाई करवा दिए। एंड आई होप सो आप सभी लोग ऐसे ही भाई मेरी वीडियोस देखते रहोगे, एंड मैं आपको ऐसे एंटरटेन करता रहूँगा। तब तक के लिए बाय।